नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा दुबे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगने वाले सुखबीर बादल को कैबिनेट मंत्री तिप राजेंद्र बाजवा ने दिया करारा जवाब। कहा, न खुदा मिला न मिसाल, सनम न इधर के रहे न उधर के रहे। अकाली भाजपा गठजोड़ टूटने को लेकर ये कहना है कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का। हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि पर्दे के पीछे क्या राजनीति है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन श्रोमणी अकाली दल को ये फैसला 6 महीने पहले ही ले लेना चाहिए था। वहीं बाजवा ने कहा कि सुखबीर के कहने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों इस्तीफा दें, खुद सुखबीर बादल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू से ही ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों के हित में लड़ाई लड़ी है। शुरू से ही हमारे मनप्रीत बादल के द्वारा इन ऑर्डिनेंसों को लेकर केंद्र सरकार की ओर ऑर्डिनेंसों की विरोधता की गई है। हो सकता है कि यह जो गठजोड़ टूटा है ये लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ही हो। गुरदासपुर से जतिंदर सिंह कुंडल की रिपोर्ट। लोग देख लेंगे हुण भैन हरसिमरत कहती मैं बड़ा रौला पाया कैबिनेट पर मेरी सुनी ही नहीं, तो फिर उदों ही बाहर आ जाना चाहिए सी। फिर 6 महीने तक डीकिया क्यों? क्योंकि समय लग गई जदों लंबी दे विच हजारों की तादाद लोग बह गए भी ना तुहानूं घर वड़न देंगे ना निकल देंगे, पंजाब ले भी ताली औखा कर देंगे। उन्होंने समझ लग गई वो जिस किसानी के सिर ते असीं राज करदे सां वो जाग पई आ, उन्होंने साड़ी दोगली पॉलिसी का पता लग गया, हुण छड़ना ही बेहतर है। वो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, वो हाल है इन्हां दा। हुण जिहड़ी बदकिस्मती वाली गल है भी जदों बोलते ने सेंटर के खिलाफ नहीं बोलते, इस कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, मोदी साहब के खिलाफ नहीं बोलते, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते हैं। ये जिहड़ी लोगों का गुस्सा या लोगों की जिहड़ी एक मूवमेंट बनी है उन्होंने सैबोटाइज करना चाहते हैं। लोग तो लड़ रहे हैं सेंटर तो सरकार, ये लड़ रहे हैं कांग्रेस सरकार कांग्रेस के खिलाफ। लड़ाई तो सेंटर ने गलत कानून पास किया, सुखबीर जी मूह सेंटर पासे करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहला ही वधिया काम कर रहा, वधिया रेजोल्यूशन पास किया, जे तुसी एडे हमदर्द सो तो फिर असैम्बली आके भी उदन बोलना चाहिए सी उहदे खिलाफ, उदन क्यों एबसेंट होए? दोगली पॉलिसी सी, अज ही दोगली पॉलिसी है। सुखबीर हुरां दा वैसे जे देखिए ना मॉरल राइट, हुण उहनां नूं अपनी प्रधानगी दे विच इस्तीफा देना चाहिए। देखो कैप्टन वड्डा जिहड़ा गुनाह कीता वी बादल साहब कोलों भी एक बयान दवाता वी किसान पक्षी ने, हुण की कहिंदे ने पै हुण फिर धर्म का आसरा लैन लगे आ, हुण फिर कहिंदे वी अकाल तख्त तो उत्थों शुरू करांगे, उस तख्त तो शुरू करांगे। सुखबीर जी रब का वास्ता, ये लड़ाई रोटी की है, ये धर्म की लड़ाई नहीं। पंजाब सुख शांति बनी हुई है, इस सुख शांति को खतरे च ना पाए, धर्म की लड़ाई बना के, ये लड़ाई रोटी की है, किसानी की लड़ाई है, तो किसानी की लड़ाई सारे पंजाबी इकट्ठे होकर सारे हरियाणवी इकट्ठे होकर एक किसानी की लड़ाई लड़ी है, धर्म के नाल नहीं। धर्म एक उच्ची तो सुची चीज़ है, धर्म को अपने साथ रहने दो। ये इकनामिकली लड़ाई है, ये साढ़े किसान का जो टिड़ से लत वजन लगी वो लड़ाई है, उन्होंने उस तरीके लड़ो ना कि धर्म का वोट लैके फिर सख्त तो सख्त नारे दे के। पंजाब की शांति जी बनी हुई है, हिंदू सिख एकता जो भाईचारा बनया है उन्होंने खतरे च ना पाओ, किसानी की लड़ाई लड़ी है, सेंटर सरकार के खिलाफ लड़ी है, कांग्रेस के खिलाफ ना लड़ो, सेंटर सरकार के खिलाफ लड़ो। कैप्टन अमरिंदर सिंह सारे तो अगे है, नाल रहेगा, किसानी लड़ाई वो बहुत चंगी तरह लड़ रहा, तो फिर भी लड़ते रहना। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहदा अस्तीफा दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहले दिन तो कह रहा भी ये बहुत माड़ी गल है, ऑर्डिनेंस बड़े गलत ने, वो कहदा अस्तीफा दे, वो तो पहले दिन तो लड़ रहा, ये लुकते फिरते सन 6 महीने डिफेंड करते रहे, उस को किहड़े मूँह नाल अस्तीफा मंगते रहे। हुण भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अगे लगेगा अपने तरीके नाल लगेगा, असी सारे वो नाल। भाई साहब एक लास्ट सवाल, सुखबीर बादल कल
मैनीफेस्टो कांग्रेस का लैके जा रहे हैं, जबकि लड़ाई किसानी की है, ऑर्डिनेंस रद्द करवा दी है, लेकिन स्टेज तो मैनीफेस्टो दिखा। देखो किसान, देखो बेवकूफ नहीं है, जे साडे मैनीफेस्टो च किसानों के खिलाफ गल होंगी तो कि किसान उदो रौला ना पाते, किसान सड़कों पर ना आते, सड़क किसान धरने ना देंगे। हुण किसान जे आए तो उदो साडे मैनीफेस्टो नूं बख्श देंगे। अज भी मैनीफेस्टो दस दौ, किसानों बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अज जे किसानों पता लगा भी सेंटर सरकार साडे उल्टा है, वो बोले जे साडे मैनीफेस्टो च लिखा हुंदा उदों भी रौला पाते, फिर असी इलैक्शन क्यों जित के आते, सानू वोटां किस तरह पैंदियां जे असी मैनीफेस्टो साडा ए सी। ये हुण गुमराह करन दे ने। असी इहो कहना चाहुंदे आ मोदी साहब, लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं, लड़ाई सेंटर के खिलाफ है। साडा मैनीफेस्टो ना पढ़ो, मोदी साहब के जिहड़े एक्शन उहनां नाल लड़ाई करो, रल के आओ लड़िए, एक दूजे नाल लड़िए, रल के लड़िए, तो मोदी सरकार नूं आखिए भी रब का वास्ता पंजाब दे ते हरियाणे की किसानी ना मार। सर पंजाब दे विच अपना टुट गया, इहनां दा गठबंधन टुट गया, इहनूं तुसीं किद्दां देखदे हो? तो गठबंधन टुट गया, बाकी लोग सियाने ने, सारे ने कार्यशैली वेखणगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप नूं वेखणगे, सुखबीर होरां दी देखणगे, आपे लोग फैसला करनगे। देखो जी, ये भी हो सकता जिवें मध्य महाराष्ट्र च होया, हो सकता भी हुण चलो वखर के लड़ लो, जितने तो पिछले वेखांगे कि तुसीं लोड़ना कि सरकार बना लेंगे, पर लोगों के सामने गल कोई गल नहीं। बस कर गया।